हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फॉरेंसिक्स फॉर यू। मैं आदित्य और इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन कवर करेंगे। थर्ड सेंचुरी में रोम के अंदर टाइटस और एंथनी के टाइम पर फोर्जरी के केसेस मिलना स्टार्ट हुए, तब ज्यूरिस्ट ने कुछ प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश किए। इन प्रोटोकॉल्स में फोर्जरी को डिटेक्ट करने के तरीके बताए गए थे। 539 में जस्टिनियन कोड बनाया गया। जस्टिनियन कोड में हैंडराइटिंग कंपैरिजन के लिए गाइडलाइंस मेंशन की गई थी। इनमें बताया गया कि एक जज क्वेश्चन राइटिंग की ऑथेंटिसिटी एग्जामिन करने के लिए एक ऐसे पर्सन को हायर कर सकता है जिसमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने की स्किल्स हों। 1897 में यूएसए में एक केस हुआ जो बेसिकली एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस था। इस केस का नाम है बेल वर्सेस ब्रूस्टर। इस केस के बाद से हैंडराइटिंग को इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंस मिली और हैंडराइटिंग पर वर्क स्टार्ट हुआ। और 1900 में डेनियल टाइटस एमएस ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है एमएस ऑन फोर्जरी। 1910 में अल्बर्ट शेरमन ऑसबॉर्न ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। ये बुक ऐसी पहली बुक है जिसमें हैंडराइटिंग के साथ सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट एविडेंस, टाइपराइटिंग और इंक को एक्सप्लेन किया गया है। अल्बर्ट शेरमन ऑसबॉर्न इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। 1942 में अल्बर्ट ऑसबॉर्न ने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स को एस्टेब्लिश किया। इसके बाद ही 1977 में अमेरिकन बोर्ड ऑफ फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स एस्टेब्लिश हुआ। 1904 में गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश हुआ। ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? 1904 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल में इसको एस्टेब्लिश किया। मिस्टर सी आर हर्डलेस बंगाल के पहले गवर्नमेंट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बने। 1906 में गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को बंगाल से शिमला शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद ही 1964 में गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कोलकाता एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1968 में हैदराबाद में गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश हुआ। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो अपने रिव्यूज़ या फिर नोट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप हमें दिए हुए ईमेल आईडीज़ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।